हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक सिंह एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 20 और 21 अगस्त के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। आज के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम आज का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमारे आज का अभ्यास प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। तो आप इसका आंसर ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कैबिनेट ने 11,040 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ किस मिशन को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, और इस मिशन का उद्देश्य पाम ऑयल की घरेलू खेती को बढ़ावा देना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किस देश पर एक वर्चुअल G7 बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश ने इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। तो इसका उत्तर है चीन, और ये नए दिशा निर्देश जो है इंटरनेट कंपनियों को प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्मों को गलत तरीके से अवरुद्ध करने जैसे विरोधी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास में शामिल होने पर रोकने का प्रयास करता है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन की नीति आयोग ने लॉ फाउंडेशन रिसोर्स सिस्टम के सहयोग से किस कार्यक्रम के तीसरे श्रृंखला शुरू की है। तो इसका आंसर है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम, और इसकी थीम है मेड इन 3D सी द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस स्थान पर स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में रीतियों से कलाकृतियों का सफर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर है नई दिल्ली, और यह लोक और जनजातीय कला पेंटिंग पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। हमारा छठा प्रश्न है, वैश्विक भूस्थानिक सूचना समुदाय अगले वर्ष किस देश में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र भूस्थानिक सूचना कांग्रेस के प्रति संवेदनशील है। तो इसका आंसर है भारत, और इस कार्यक्रम का आयोजन अगले साल हैदराबाद में किया जाना है। हमारा सातवां प्रश्न है, किस बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पेश किया है। तो इसका आंसर है RBI, और RBI ने ऐसा देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए किया है। हमारा आठवां प्रश्न है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर है भारत, और इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। हमारा नवां प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 28,000 साल से दबे हुए शेर के शावकों की खोज की गई है। तो इसका आंसर है साइबेरिया। हमारा दसवां प्रश्न है, नेथिसियस पिपस्टेल प्रजाति किस जीव से संबंधित है। तो इसका आंसर है चमगादड़। तो दोस्तों, चलते हैं 21 अगस्त के करंट अफेयर्स पे। 21 अगस्त के करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित कर दिया गया है, यह संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 342A और 366(26)C। यह संशोधन राज्यों को OBC वर्ग में अपनी जरूरतों के मुताबिक जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका आंसर है इस्माइल साबरी याकूब। हमारा तीसरा प्रश्न है, नाटो के महासचिव कौन है। तो इसका आंसर है जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, और नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को Washington DC में हुई थी। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में तैरता हुआ ATM खोला है। तो इसका आंसर है SBI। हमारा पांचवा प्रश्न है, ब्लूमबर्ग मिलेनियस इंडेक्स की टॉप 100 दुनिया के अमीर व्यक्तियों की सूची में DMART के संस्थापक 6वें स्थान पर हैं, उनका क्या नाम है। तो इनका नाम है राधाकिशन दमानी, और पहले स्थान पर जेफ बेजोस रहे हैं, दूसरे स्थान पर एलन मस्क, और 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी, 23वें स्थान पर गौतम अडानी, और 36वें स्थान पर अजीम प्रेमजी रहे हैं। हमारा छठा प्रश्न है, PM किसान FPO स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने किसानों को एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। तो इसका आंसर है 11, और इस स्कीम के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और 2024 तक केंद्र सरकार इस योजना में 6,885 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हमारा सातवां प्रश्न है, किस राज्य में मिशन शक्ति के तीसरे संस्करण की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा आठवां प्रश्न है, पराक्रम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है दिनेश कांडपाल, और इस पुस्तक में भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। हमारा नौवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो इसका आंसर है हरियाणा। हमारे जो पिछले कल का अभ्यास प्रश्न था वो था, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर था मुंबई। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो.guru पे विजिट कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।